हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हैप्पी मैरी क्रिसमस और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है 25 दिसंबर और आज सच में इतनी कड़ाके की ठंड है। दिन है संडे का, धूप का है ना, ऐसा लग रहा था कि आज पूरा दिन धूप नहीं निकलेगी। और बच्चों को नहला धुला के मैंने तैयार कर दिया था और आज इनके है ना जो सेंटा क्लॉज के कपड़े थे वो भी निकाल दिए थे। कपड़े तो मैंने इनके कल ही निकाल दिए थे क्योंकि कल है ना स्कूल में प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ पर ये कैप लगा के गया था, कपड़े नहीं पहन के गया था। और ये शाम को हम सामान लेके आए थे, ये ट्री था और इसको डेकोरेशन करने के लिए जो सामान था वो लाए थे। और बच्चे यहाँ पर बैठ गए हैं अपने ट्री को सजाने के लिए, तीनों ही बच्चे बैठे हैं। ट्री है ना, मैं इसका छोटा सा ही लाई थी, पहले भी था लेकिन वो है ना ख़राब हो गया था, कुछ तोड़ वोड़ दिया था। वो दो साल चलाया है इन्हें, अभी भी मैं छोटा ही लाई थी ये सजाने को, तो इसको ही कितना कितना भी सजा लो। और बच्चों को है ना काफ़ी क्रेज रहता है तो कर रहे हैं ये अपने क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की तैयारी, लगे हुए हैं अपने काम में। और मैं भी अपना काम कर रही थी, मैंने इनको नाश्ता करा दिया था बच्चों को। और आज मैंने चिल्ला और ब्रेड बनाया था। सच में ठंड में है ना हाथ बिल्कुल ऐसे फ्रीज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड थी और ऊपर से है ना इसने अपने ट्री को सजाने के बाद स्नो लगा दी है, जो कॉटन थी ना उसको ही लगा दिया है इस पर। और ये अथर लाया था गिफ्ट, चॉकलेट वगैरह अपने बैग में रखे हुए हैं और सभी को दे रहा था और अपने लिए ना एक्स्ट्रा रख ली थी, वो पीछे छुपा के खाई थी। मैंने कहा सही बात है, सेंटा क्लॉज को अपने लिए ज़्यादा ही चाहिए, सभी को दे दिया है उसने गिफ्ट, देखिए। और फिर ये दोपहर का टाइम है, हम लोग रेडी हैं, मुझे थोड़ा सा काम है, यहीं पास में ही मार्केट में जाना है। जाने का तो मन नहीं कर रहा क्योंकि ये धूप अभी तक नहीं निकली और मुझे तो वैसे भी कोल्ड हो रहा था तो, लेकिन जाना तो है ही, बाहर के काम भी ज़रूरी है। आज तो संडे है, संडे के दिन तो निपट जाते हैं, बाकी का दिन पर रहो ना तो फिर वो बच्चों का स्कूल हो जाता है, फिर नहीं होता सारा काम। तो मैंने कहा चलो आज दीदी भी यहाँ पर है, थोड़ा सा काम करके आ जाऊँगी, अपना जो संडे के लिए पेंडिंग छोड़ा होता है वही काम है। और बच्चों की वजह से है ना मैं अपने बेड पर हमेशा रजाई रखती हूँ क्योंकि बच्चों को है ना इधर उधर घूमते फिरते हैं, फिर ठंड लगती है तो आके रजाई में घुस जाते हैं। और देखिए यहाँ पर फिर शाम का टाइम है तो मैंने इनका जो सामान है ना सेंटा क्लॉज के कपड़े कैप रख दिए थे, वो फिर से मांगने लगे। वो मैं इनके लिए खाने के लिए जो सामान लेके आई थी ना वो खा रहे थे, मतलब एक तरह से है ना क्रिसमस पार्टी एंजॉय कर रहे थे। और देखिए मैं लेके आई थी अपनी रजाई के लिए कंबल, जो ये कंबल आपके सामने दिखाया ना ये जो रेड कलर का, ये मेरी रजाई पे है ना एक तो ये कई साल का पुराना हो गया है और ये हमें ये पहले से ही है ना थोड़ा सा छोटा था, सही नहीं आता था तो फाइनली आज मैं लेके आ ही गई, आज इसका काम निपटा दिया मैंने। ये कंबल कवर लेके आई हूँ अपनी रजाई का, इस पर डाल के देखूँगी फिट आएगा या नहीं, लग तो ये काफ़ी बड़ा रहा है, पहले इसको फैला के देख रही थी। और ब्लू कलर का लेके आई हूँ क्योंकि ब्लू कलर मेरे बेटे का है ना फेवरेट कलर है, उसी के हिसाब से रेड कलर भी था लेकिन रेड मुझे अच्छा लगा था, फिर सोचा जब ब्लू मिल गया तो मैंने कहा चलो ब्लू ही लेके चलती हूँ। तो इसका कवर है ना फिर उतार के मैं जो छोटी रजाई का कवर है ना वो बना दूँगी, थोड़ा सा काट के सही कर दूंगी। तो पहले बच्चों को यहाँ खाने पीने देते हैं, बच्चे खा पी लेंगे उसके बाद फिर मैं अपनी रजाई पे कंबल डालकर देखूंगी। और चाउमीन तो वैसे भी सभी की फेवरेट रहती है तो यहाँ पर चाउमीन खा रहे हैं, आप लोग भी आइए खाइए और क्रिसमस को हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए, क्रिसमस पार्टी को। जिसको पसंद चाउमीन थी लेके आए थे और फ्रेंच फ्राई लेके आए थे, फ्रेंच फ्राई तो वैसे भी आराध्या को काफ़ी अच्छी लगती है, उसको है ना ज़्यादा चटपटी चीज़ें कम अच्छी लगती है।
बस थोड़ा सा नमक हो, हल्के से मसाले हो, उसी चीज़ में वो खुश रहती है। और सभी के सर पर देखिए सेंटा क्लॉज की कैप है, खा भी रहे हैं। और ये है हमारा क्रिसमस ट्री, सजा हुआ रखा है। तो सेंटा क्लॉज ने गिफ्ट दे दिया है बच्चों को, बच्चों की पार्टी हो गई है। और यहाँ पर हम खाना पीना चल रहे हैं, और सर्दी में तो है ना खाना पीना ज़्यादा होता है, क्योंकि मज़ा ही सर्दी में खाने का होता है। गर्मियों तो है ना बस पानी पीते रहो और पेट भरते रहो, और सर्दियों में है ना पानी नहीं पीना, बस खाना खाना ही होता है। और सच में जब सब लोग होते हैं ना तो ज़्यादा खाया जाता है, और वो है ना डाइजेस्ट भी जल्दी होता है, पता ही नहीं चलता। तो खाना पीने के बाद फिर रात की तैयारी करेंगे। रात को तो फिर है ना जब बच्चे इतना बाहर का खा लेते हैं ना, तो फिर तो कम ही खाते हैं इतना ही। और बच्चों को तो है ना, बच्चों को क्या, बड़ों को भी बाहर का जब मिल जाए ना तो फिर तो मिलाने का मन ही नहीं करता ना खाने का, बाहर की चीज़ों में ही अपना गुजारा हो जाता है। तो ऐसे ही रहा हमारा आज का क्रिसमस सेलिब्रेशन, अपना घर पे ही सबने अच्छे से एंजॉय किया साथ में। थोड़ी देर मार्केट चले गए थे, सामान ले आए थे। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी मैरी क्रिसमस।